कभी कभी आपको पता नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है। आज का दिन फूड व्लॉगिंग के लिए रखा था, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उन्हीं में से एक जगह ये थी, लाला जी का ढाबा। लाला जी का ढाबा जो है, मैं जब हर रोज़ यहाँ से गुजरता था तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आता था कि एक बार यहाँ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाला जी का ढाबा, जो है मेन नजकवर रोड उत्तम नगर में, वेस्ट मेट्रो जो है, वेस्ट उत्तम नगर मेट्रो से पहले अगर आप तिलक नगर की तरफ से आते हैं तो, और पिलर नंबर 677 इसके बिल्कुल पास में है। तो चलो दिखाता हूँ आज का दिन कैसा रहा, एक अनजान जगह और किसी ने बताई नहीं और बिल्कुल सोचा नहीं। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। लाला जी का ढाबा आ चुका है और यहाँ पे बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं, लाला जी का ढाबा, लाला जी का ढाबा, फूड ये वो, छोले भटूरे, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, है ना, अमृतसरी, ये देखो, मतलब कितने बोर्ड हैं। इतने बोर्ड मैंने कभी जिंदगी में किसी ढाबे पे नहीं देखे। लेकिन अंदर के हालात क्या है और क्या सच में खाना टेस्टी है, क्या लाला जी सच में लाला जी है, देखते हैं। हाय दोस्तों, तो हम जा रहे हैं लाला जी के ढाबे पे, और लाला मना जी का ढाबा नहीं है, लाला जी का ढाबा है। तो देखता हूँ अंदर क्या है। बाहर तो बोर्ड बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं और बहुत छत देखो, बिल्कुल पुराने वाली इतनी ऊंची छत, पहले कहाँ होती थी इतनी ऊंची छतें। तो हम आ चुके हैं लाला जी के ढाबा पे और काफ़ी खुला डुला है, मतलब इतना भीड़ भाड़ नहीं कर रखी है, अच्छी बात है, नहीं तो लोग पूरी जगह घेर लेते हैं, बहुत खुला डुला बना रखा है। चलो पहले सफाई हो जाने दो, अभी लोग खा के गए यहाँ से। तो कैसा लग रहा है निधि यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है ना, एंटीक फीलिंग आ रही ना, है ना, पुराने पुराने होते थे, हाँ है ना, इस तरह के ढाबे अब कहाँ मिलते हैं, अब तो सारे फैंसी से हो चुके हैं ना। तो मुझे ये नेचुरल लगता था बड़ा, जब भी मैं यहाँ से गुजरता था ना तो मुझे लगता था कि यार एक दिन यहाँ जरूर आऊँगा, चाहे कैसा भी हो, है ना। तो हाँ जी, थोड़े थे बेस्ट की है लाला जी, यही जरा खाने जी थानू फेवरेट की है, नहीं जरा बेस्ट थोड़ी इतने आइटम होए पुरानी, मटन बटर मसाला, बटर मसाला और चाप है, सोया चाप, सोया चाप, ठीक है, देखने हैं। तो दोस्तों हम मंगा रहे हैं यहाँ पे पालक पनीर हाफ, जो सिर्फ 80 रुपये का है, फुल 150 का है, और मंगा रहे हैं दाल चना फ्राई, वो भी हाफ, क्योंकि अभी हमें और जगह भी ब्लॉक करना है, खाना पड़ेगा, तो पेट का ख्याल तो रखना पड़ता है। ठीक है भाई, इतना ठीक है, हाँ, ठीक है सर, आगे भी क्या क्या मंगाया हमने बताओ? एक तो हमने चना दाल, हाँ, और एक पालक पनीर, चना दाल फ्राई, दाल मखनी बहुत खा चुके हैं यार, दाल मखनी है ना, तो कुछ मखनी उसका भी वीडियो बनाएंगे जो आपके वहाँ। चलो ठीक है, पहले यहाँ का देख लेते हैं। ओके हैं, आप एक तवा रोटी दे दो और एक तंदूरी रोटी, तुम्हारा की नाम की है? सतीश मेहरा है, सतीश कुमार मेहरा। अच्छा, तुझे पंजाब दे के हो, कितने? वैसे मैं दिल्ली से पैदा है। अच्छा, पैदा दिल्ली, थोड़ी उम्र की, मेरे तो छोटे हो गए तुझे पक्का, किन्नी उम्र है तुम्हारी? मेरे 58 है। अरे नहीं, मेरे से बड़े हैं। 64 का बड़ा है। मैं डॉक्टर है क्या वैसे? हाँ, सारे जानते ना तू, मैंने ठीक है, हैं डॉक्टर दीप? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नवनीत कालरा, हार्ट के डॉक्टर है। अच्छा, नहीं वो नहीं, वो शायद कोई और ने लगाया। चलो तुसी ये मंगा दो, थैंक यू। तू आनू कितने साल हो गए इतने काम कर रहे? 3-4 महीने। अच्छा, ज्यादा नहीं हुआ, इस तो पहले किधर और करते सी? अब मेरे अपने काम में। अच्छा चलो, कोविड एच करना पाया गया उन, ठीक है जी, कोई गल नहीं। किंदी डेथ हो गई? डैडी दी। डैडी दी, ओहो, चलो कोई नहीं, जो है उन तो है, कुछ नहीं भाई, काम तो करना ही पैंदा है ना, जिंदगी जीनी है तो काम तो। दोस्तों जी, सलाद आ गई है, हरी चटनी आ गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये ढाबे वाली फीलिंग बड़े सालों बाद आई है दिल्ली में रह के, नहीं तो हाईवे पे ही ढाबे की फीलिंग आती है, यहाँ एक्चुअली ढाबे की फीलिंग आ रही है।
चटनी बना रहे हो? और तेरे की बड़ी सारी है अगेन पैक हो रही है चटनियाँ। अच्छा जी, थैंक यू। थोड़ा की ना आएगा, नाम क्या आपका? है तुलसी। अच्छा, यहाँ पे मिल गए हैं मिस्टर सतीश, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोअर भी हैं, और दूर से ही बोल रहे थे वो दिल्ली 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 है। तो फिर आज हो जाए? हाँ सर हो जाए। चल ठीक है, बोल के दिखा फिर। दिल्ली उत्तम नगर। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं जैसे मैं बोलता हूँ। और दिल्ली 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 रोहिणी। हाँ रोहिणी से बोला रोहिणी। मोनू तेरे बाल तो हीरो वाले हैं, संजय दत्त वाले। तू चला रहा कर, इतना बड़ा कर, पतीला। चल थैंक यू। अच्छा चलो जी बाहर चलते हैं। आपका क्या नाम है? हैं अरे वाह, सठिया। हाँ अरे आप अपना अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, और आप? मेरा नाम मोनिका है। आप मैनेज करते हो यहाँ पे? हाँ जी, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन बैठती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन भी आपका है? हाँ, स्विगी और जोमेटो से। ठीक है, मैं सच बताऊँ मैं आया बड़ी बार हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि अंदर इतना ये सब है यहाँ पे। मुझे लगता था, सच बताऊँ तो मुझे हमारे लाला जी सबसे बेस्ट है। मुझे मन में ना एक मेरे मन में वो थी, एक मैं जब भी निकलता था ना, मैं गांधी हॉस्पिटल जाता था, तो मुझे रोज मन में आता था कि यार यहाँ पे क्या है क्या है, मैं एक बार आऊँ। गांधी हॉस्पिटल पे हो? हाँ, देखा हुआ है। चलो जी, ये आ गया हमारा, और ये आ गया, और ये तो पहले से पड़ी है ना। बस ठीक है, नहीं बटर नहीं लगाने, वैसे भी बटर बहुत लगाते हैं लोग। बताओ जी मैडम, ये दाल खाइए कैसी है? मैंने वैसे चना दाल अच्छी नहीं लगती। हाँ, बट ये एक्चुअली में अच्छी, ये मतलब इसके ना ढाबे वाला स्वाद आ रहा है। आ रहा है ना ढाबे वाला स्वाद, तो इसका बताती हूँ। मस्त है, सीरियसली मस्त है। 100 में से कितने नंबर? 100 में से आई वुड से 99। 99? तू ज्यादा नंबर दे दिया, तू बड़ी लिबरल है। लिबरल? अच्छा चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ। कैसे सर, बताओ तो सही। अरे खाने तो दे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे एरिया में जहाँ पे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको एक ढाबा मिलेगा, हमें ढाबे के लिए हाईवे जाना पड़ता है, कि हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ ढाबा मिलेगा। मैं सच बोलूँ लोगों से, अगर आपको एक्चुअल ढाबे का खाना खाना है, आप यहाँ आ जाओ। आप ये मत देखो यहाँ का एम्बियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसा है, एक्चुअली जो आपको टेस्ट मिलेगा असली ढाबे का वो यही मिलेगा। ठीक है, तो नखरे छोड़ो और आगे खाओ और तब बताओ। और आप कितने नंबर दे रहे हो सर 100 में से? या सही बताओ तो मैं 95 से ऊपर किसी को दिए नहीं, पर मैं 97 दूंगा। अच्छा चलो ठीक है ओके। ना आ गया हमारे सब्सक्राइबर्स का, तो मैंने सोचा यार हम क्यों खाएं इतना ज़्यादा। इन्हीं से पूछ लेते कैसे बने।
तुम टेस्ट करके बताना मुझे कैसा है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी जो सब्जी है ना, हाँ, थोड़ी खट्टी खट्टी है। अच्छा, और दाल कैसी है? हमारा तो बहुत अच्छा है जो हमने मंगाया। दाल बढ़िया, दाल अच्छी है ना। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये कितने, इसमें कितने आए हैं? दो हैं। ये बहुत बड़े बड़े हैं यार। ये तो खा ही नहीं पाओगे तुम अकेले। देखते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। तेरा पेट नजर आ रहा था मुझे, तूने सांस रोक ली भाई। सांस रोक लिया तुमने। तुम तो खड़े थे, मैंने पेट देख लिया था तुम्हारा निकला हुआ थोड़ा सा। चल ठीक है, खाओ भाई। ठीक है, थैंक यू यार। सही बताऊं, मैं सच बोलूं तो जिंदगी का आनंद आ गया। और ये हमने अभी देखो क्या मंगाया है, ये हमने मंगाई है दाल मखनी। ठीक है, मैंने सोचा यार इसके बिना तो हर महफिल अधूरी है, दाल मखनी के बिना किसको की छोड़ दें। जबकि पेट में, सच बताऊं, हमने सोचा था कि हम एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, लेकिन मैं भी एक और मंगाई है, तूने भी एक रोटी और मंगाई है, रोटी और मंगाई है। तो इसका मतलब ये है कि खाना बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलो खाओ भाई। लो जी, हमारी लस्सी भी आ गई है, और बहुत बड़ा गिलास नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम ज़्यादा पीना नहीं चाहते, तो इतना ही बहुत है। और मीठी लस्सी मंगाई है ना, मीठी, फिर तो नींद आएगी बड़ी सर, इतना ज़्यादा आगे तो पता नहीं। ये तो लस्सी अगर पी लो ना भाई साहब, छोले भटूरे के बाद आपको किसी बेहोशी के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप ऐसा लंबे होते हो कि जय भगवान ने, यहीं पर ना नींद आ जाए कहीं। चलो जी, डालो गिलास में। चलो, मूछे उसके बिना तो लस्सी का मजा ही नहीं आता। मूछे ना बने तो, मूछे बननी चाहिए। दिखा भाई, मूछे बनी नहीं बनी? बन गई, बन गई। असली मजा बिना मूछों के नहीं आता। चलो ठीक है भाई, चक दे पट्टे न पते गिल्ली बाहर नहीं देगी। छा गई तू तो आज मूछों वाली। शामी जलंधर, सवेरे अब तो नशा हो गया लस्सी का। अब जाती बड़ी, अब तो सो जाएगी घर जाके, बस सो जा। हमारा बिल आ गया, ज़्यादा नहीं है यार बिल, बहुत कम बिल आया। लस्सी भी पी ली हमने, तीन तीन हमने सब्जियाँ भी खा ली, इतना कम बिल 298 रुपये बस। चाहे बर्गर खाने जाते ना वहाँ पे 250-300 का एक बर्गर आता है, तो उसको खाने के बाद फिर घर आदमी ना घर आके खाना खाता है, होता है ना। चल तू खुश है ना, चल घर मंगा लियो। ठीक है ठीक है। मैं सच बोलूँ, जो हम टेस्ट हमेशा सोचते रहते हैं कि फ्रेश होए, ताज़ा होए और टेस्ट ढाबे वाला होए, तो वो बिल्कुल वैसा ही था। उसमें से हमने आपको 100 में से 98 नंबर दे दिए, उससे 99 नंबर दिए, मैंने 97 दिए। तो आप बताओ कि आपने कब शुरू करा था ये? हमारे को जो हो गए आज 25 साल हो गए। 25 साल? अच्छा, तो क्योंकि ये कह रहे थे 92 के आसपास शायद शुरू किया था आपने, है ना? हाँ, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही हो गए होंगे। तो ये जब आपने खोला था तब से ऐसा का ऐसा ही है? आपने कुछ, या जैसे आजकल होटल होते ना बड़े फैंसी, ज्यादा पैसा इन चीजों पे लगाते हैं, टेस्ट खाने पे पैसा लगाते हैं, खाना एक नंबर। मैं यही इसी निधि, मैंने यही बात नोट करी थी ना, मैंने क्या बोला था, हमारे पास फालतू मेनू भी नहीं होंगे, मेनू भी हमारे पास फालतू नहीं होंगे, बस एक हम वेस्ट मनी नहीं करते। ठीक है, सिर्फ वही खाने पे पैसा लगाना है। अच्छी बात, माल एक नंबर, क्वालिटी एक नंबर, क्वालिटी एक नंबर। ये आप देख, मैं आपको इनको दिखाता हूँ कि देखो ये सारा होटल आज के डेट में आपको इतनी हाई ऊंची छत वाला होटल नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, इस तरह की बिल्डिंग नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, दिल्ली में असली चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है। खाने में हर चीज़ में वैसे नकलीपन है, लेकिन आप ना ये कहते हो भाई पैसा तू ठीक ले ले, लेकिन खाने को अच्छा दे दे, है ना, जिसको खा के आपकी तबीयत ठीक रहे। मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम तो सबसे पहला यही चेक करना होता है भाई इसको खा के पेट। मैं अभी भी यही कह रहा था निधि से, निधि खाने के बाद पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी तो सब बढ़िया, मैं यही बोल रहा था। बिना कंपनी के कोई भी मसाले नहीं लेते। अच्छा, हर माल एक नंबर में। अच्छा, कोई ऐसा माल नहीं। हाँ, मैंने अभी किचन भी देखी, अभी किचन तो बहुत बड़ी है, साफ सुथरा भी, इतनी बड़ी किचन। हाँ जी, इतना आपका होटल है उससे ज्यादा तो किचन है। चलो, आपका आप वैसे रहने वाले कहाँ के हो? हम रहने वाले हिसार। हिसार? अच्छा, हरियाणा। हरियाणा के? हाँ जी। अच्छा, तो आप रहते कहाँ अभी? उत्तम नगर में। कहाँ पे? सुनील डेयरी के पास है। सुनील डेयरी के पास? अच्छा, सुनील डेयरी, शनि बाजार। हाँ, समझ गया हूँ मैं। तो चलो, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आपका स्विगी और जोमेटो पे भी है ना ये? हाँ जी। और कितने बजे तक खुला रहता है रात को?
रात के 12 बजे तक खुला रहता है और सवेरे ऑनलाइन सुबह 10 बजे ऑनलाइन चालू हो जाता है। तो आप सवेरे अच्छा कोई नाश्ता करना चाहे अगर तो उसके लिए कुछ होता है यहाँ पे? पराठे होते हैं, आलू प्याज के पराठे, आलू पराठे साथ में रायता वगैरह या दही वगैरह जो भी है ना। हाँ जी ठीक है जी। हमारे यहाँ का कढ़ाई पनीर स्पेशल होता है, कढ़ाई पनीर आप कहीं भी खाओगे वो। अरे तो इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने कढ़ाई पनीर आप कहीं नहीं मिलेगा। अगली बार कढ़ाई पनीर भाई कहीं भी खाना खा जाओ। हाँ क्योंकि मैं खुद मास्टर माइंड हूँ इसका। अरे तो हमारा तजर्बा है कढ़ाई पनीर का। हाँ वो कहीं भी नहीं होगा ऐसा कढ़ाई। आज हमें पूछा था ये बात तो इन्होंने पनीर बटर मसाला कढ़ाई पनीर जो जेन्युइन जिसको बोलते हैं कढ़ाई पनीर क्या हो। चलो हम नेक्स्ट टाइम कढ़ाई पनीर मसाला ही खा के जाएंगे आपसे। कहीं भी जाते हैं लेकिन उनका कढ़ाई पनीर मंगाते हैं, कभी ये मंगाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं बनाते जो उनको बनना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, आपने 25 साल हो गए, उससे पहले आप शुरू से इसी लाइन में आपका परिवार? नहीं था शुरू से खाने में, हमारा बठिंडा में होटल। अच्छा पंजाब में, लेकिन था यही ढाबा ढाबा ही पंजाब। चलो जी मुझे तो सच में बड़ी खुशी हो रही है। और ये उत्तम नगर जैसी जगह पे ना ओरिजिनल चीज मिलना, मैं सच बताऊं मैं खुद, मेरा क्लिनिक यहाँ पे है ना, मैं खुद परेशान होता हूँ मैं जब देखता हूँ कि इतना खराब, मतलब देखने में तो अच्छा होता है लेकिन अंदर जो चीजें लगी होती है ना मुझे देख के दुख होता है। हमारी रसोई खुली है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। हाँ मैंने देखा है, मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बहुत अच्छा था। छुपाई वाला कोई काम नहीं, नहीं मैं अंदर तक पूरा देख के आया हूँ। आपके स्टाफ ने मुझे पूरा अंदर तक दिखाया सर। और मसाले भी तुम्हें एक नंबर मिलेंगे, एमडीएस से नीचे कोई मसाला नहीं। अच्छा हम यूज ही नहीं करते, हमें कोई फ्री देना है ना। हाँ फ्री भी मसाला। अच्छा आप दूध कौन सा यूज करते हो? अमूल का। और ठीक है भाई तू है, अगली बार फिर आते हैं तेरे पास। ठीक है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। आ भाई मोनू उस्ताद, ये मोनू उस्ताद आ गए हैं, ये मेन कारीगर आप ही हो? नहीं मैं नहीं है। अबे कहाँ जा रहा है? अच्छा जी राम राम, धन्यवाद, थैंक यू लाला जी, थैंक यू भाई सब लोगों, थैंक यू थैंक यू।